यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती मामले में उठते सवालों ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको धत्ता बता दिया है। सरकार भले ही ये कह दे कि जांच करवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मांग बरकरार है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए या फिर सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। हरियाणा सरकार पर आरोप लगने का ये दौर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में घोटाले का मामला हरियाणा की राजनीति की सुर्खियों में बना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती घोटाला उजागर होने के बाद आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए। हालांकि मामले में सरकार का पक्ष है कि जो लोग शामिल थे उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। गुरुवार को सीएम उड़न दस्ते ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी। विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर बेच रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार, और अब हरियाणा के युवा कह रहे हैं कि नौकरियां बिकती बीच बाजार, मेरिट से नहीं सरोकार, और ऐसी रही खट्टर सरकार। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करे, एफआईआर करवाए। ऐसा ना करने की सूरत में इनेलो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। हमने जो है कर्मचारी आयोग के अंदर जिस किस्म से एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो वायरल होने के बाद विधानसभा में इशू उठाया था और हमने कहा कि पहले भारती जी का इस्तीफा दिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर लॉज की जाए और फिर इसके सारे इशू की इंक्वायरी करी जाए। जितने भी अब तक की जो भर्तियां हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए, उनकी जांच हो और उसमें भी अगर इस तरह की कोई अनियमितताएं हुई है तो जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला क्या कह रहा है उसकी बातों में हमने नहीं जाना। हमारी सरकार का साफ है कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी विषय भर्ती वो हमने करके दी है। अगर कोई उसके पास कहते हैं, कहकर वो भाग जाते हैं। बेशक जो पीछे उन्होंने दवाइयों में कहा, अनिल विज के ऊपर कहा, तो अनिल विज ने कहा लाओ सबूत, उनके पास सबूत नहीं है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ ऐसी कोई बात आई है तो खुद उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। अगर उनके पास अभय के पास कोई सबूत है तो लाए, उसकी जाँच करा दें। पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है। मुख्यमंत्री जी ने पर्दा नहीं डाला उसके ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई की है। और जहाँ तक तार जुड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो कर्मचारी हैं जो पकड़े गए हैं ये कोई हमारे राज में भर्ती नहीं हुए थे, ये पिछली सरकारों के राज के भर्ती हुए हैं। और इसकी तारें जो जुड़ रही हैं वो पिछली राज के नेताओं के साथ जुड़ रही हैं जाके तारें इनकी, इनके टेलीफोन सारे पिछले लोगों के साथ होते रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, सारे प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है। हालांकि सीएम का पक्ष है कि जांच करवाई जाएगी, हमने खुद ही जांच की शुरुआत करवाई है और जांच में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, अगर वो खुद भी दोषी पाए जाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। आप भी सुनिए। अब वो 20 लोगों से मान ऐसा करते हैं और उसमें से 12 अपने आप भर्ती हो गए तो 12 के पैसे तो रख लिए और 8 भर्ती नहीं हुए उनके वापस कर दिए। ये गिरोह, और जब पता लगा हमने अपना जो सेम फ्लाइंग स्क्वाड उसको गिरने लगा, गुप्त रूप से किसी को पता नहीं लगना चाहिए ये छानबीन करो कैसा ग्रुप कौन है, उसका पता लग गया, जानकारियां ली, कई गिरफ्तारियां कल ही हो गई। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन भर्तियों पर उठते सवालों ने सरकार के दावों को धत्ता बताया है। मामले की जांच से बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन क्या सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाएगी और अगर जांच करवाई गई तो क्या खुलासे होंगे और बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर आरोपों में दम नहीं होगा, ये जांच से साफ हो पाएगा और जांच का इंतजार रहेगा। खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट।